अगर मैं आपसे पूछूं कि आप पृथ्वी के किस भाग पर रहते हैं, तो आपका जवाब होगा हम सभी पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हम सभी पृथ्वी के ऊपर नहीं, पृथ्वी के अंदर रहते हैं, तो सुनने में अजीब लग रहा होगा और आपको लग रहा होगा भाई तू झूठ बोल रहा है, मैंने तो बचपन से यही पढ़ा है। तो निकल, वीडियो को स्किप करने का मन कर रहा होगा, लेकिन यहीं रुकिए, मैं आपको समझाऊंगा। इस वीडियो में के अंत तक में आपको पता चल जाएगा हम सभी पृथ्वी के ऊपर नहीं, हम सभी पृथ्वी के अंदर रहते हैं। तो चलिए इस बात को समझते हैं कि कैसे हम सभी पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। अगर हम पृथ्वी को लें और उसकी कटिंग करें, तो ये प्याज के जैसे ही लेयर्स में कट होता है। यानी कि पृथ्वी की कटिंग करने पर उसको तीन भागों में मोस्टली कट किया गया है। जो इसका पहला भाग होता है, जो सबसे अंदर का भाग होता है, जिसको हम लोग कोर कहते हैं। कोर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और यही जो कोर होता है ना, अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि लगभग सूर्य के टेम्परेचर के जैसा होता है, लगभग 6000 सेंटीग्रेड के आसपास इसका टेम्परेचर होता है। अब यही रीज़न हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर जितना मटेरियल होता है फ्लूड फॉर्म में होता है, लेकिन दिखता सॉलिड की तरह है, क्योंकि हाई प्रेशर भी वहाँ पर मौजूद होता है। इसकी वजह से हम सभी इंसानों का जीवन वहाँ पर पॉसिबल नहीं है। अगर हम इसके बाद बात करें इसके बीच वाले रीजन की, जो इसका सेकंड रीजन है, मेटल रीजन जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर भी इसका टेम्परेचर कोर से थोड़ा सा कम होता है, लेकिन टेम्परेचर हाई होता है और यहाँ पर जितना भी मटेरियल होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। और यही रीज़न है कि समय समय पर ज्वालामुखी और लावा जो निकलते हैं वो मेटल रीजन से ही निकल करके बाहर आते हैं। हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर भी हम इंसानों का जीवन जो है इसके इनर पार्ट पर भी पॉसिबल नहीं है। अब ये जो ऊपर का पार्ट है जिसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं, यानी भूपर पट्टी जिसको हम लोग कहते हैं, जो क्रस्ट वाला पार्ट है, हम सभी के घर, मकान, दुकान, सड़कें, सागर, पहाड़, पहाड़ियाँ सब इसी भाग पर मौजूद होते हैं और इसी भाग पर हम लोग भी सभी मौजूद होते हैं और इसी भाग पर हम सभी खड़े होते हैं। ये बाकी दो लेयर्स के अकॉर्डिंग बहुत पतली होती है, अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग इसकी मोटाई होती है, लेकिन बाकी दो प्लेसेस के रिस्पेक्ट में इसकी मोटाई बहुत कम होती है। फिर भी हम सारी चीज़ें जो आप देखते हैं, सड़क, दुकान, मकान, घर, ये सारी चीज़ें इसी भूपर पट्टी वाले रीजन में आपको मिलेंगी। लेकिन अब इसके बाद भी कोई एक रीज़न होता है? हाँ बिल्कुल होता है, इसके बाद भी एक रीज़न होता है जो कि एक इनविजिबल रीज़न है। अगर हम अर्थ सरफेस को छोड़ करके अंतरिक्ष की तरफ चले जाएं, यानी कि अंतरिक्ष से जा करके हम अर्थ को देखें, तो अर्थ हमको नीली, हरी और चमकदार दिखती है। तो यानी जहाँ पर नीला कलर दिख रहा है वो समुद्र का एरिया है, जहाँ पर पानी भरा हुआ है, और जो हरा दिख रहा है वो हमारे पेड़ पौधे हैं, और जो चमकदार दिख रहा है वो ध्रुवों पर बिखरी बर्फ है, जहाँ का टेम्परेचर साल में हमेशा माइनस में ही रहता है। तो इस तरीके से पृथ्वी हमको दिखाई देती है। लेकिन कंपैरिजन यहाँ होता है कि जब हम पृथ्वी को अर्थ सरफेस को छोड़ करके ऊपर चले जाते हैं, तो वहाँ पर से हमको अंतरिक्ष जो बिल्कुल और बिल्कुल ब्लैक दिखाई देता है। यानी कि पूरे अर्थ सिस्टम को अगर हम छोड़ दें और स्पेस में जाएं, तो पूरा का पूरा स्पेस हमको ब्लैक दिखता है, यानी सौरमंडल पूरा का पूरा काला है। सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई यही है कि सौरमंडल काला है। लेकिन अगर वहीं से फिर हम अर्थ पर आते हैं और फिर आसमान को हम देखें, अंतरिक्ष को देखें, तो अंतरिक्ष हमको नीला दिखाई देता है। तो अब यहाँ से आपके दिमाग में एक चीज़ तो समझ में आ रही होगी कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जिसके बीच में एक इनविजिबल रीज़न है जो एक बैरियर की तरह काम करता है, और वो है हमारा वायुमंडल, वो है हमारा एटमॉस्फेयर। और इसी एटमॉस्फेयर के अंदर हम लोग रहते हैं, लाइक अ बैलून या बबल, एक बबल के अंदर जो इनविजिबल भी है और उसके अंदर हम लोग रहते भी हैं, और इसी के अंदर हमारा जीवन पॉसिबल भी है। यानी कि अर्थ से जब आसमान को देखते हो तो नीला दिखाई देता है, लेकिन आप अर्थ बैरियर को, यानी इस जो है कि वायुमंडल को आप छोड़ते हो, लगभग इसकी ऊंचाई 100 किलोमीटर के आसपास है, अर्थ से लेकर के 100 किलोमीटर ऊपर तक ये फैला हुआ है। अगर हम इसके ऊपर निकल जाएं तो पूरा का पूरा स्पेस हमको ब्लैक दिखाई देता है। यही रीज़न है कि ये नीला और काला का डिफरेंस समझ में आता है। अब इसी रीज़न के अंदर और इसी बैरियर के अंदर हम सभी रहते हैं। अगर हम इस वायुमंडल को रिमूव कर दें, यानी यहाँ से हटा दें, इस्केप कर दें, तो हम लोगों का जीना 5 सेकंड तक भी मुश्किल हो जाएगा और हमारी बॉडी ना एक्सपैंड होकर बस्ट हो जाएगी। इतना ज़्यादा बॉडी का इंटरनल प्रेशर है और एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाएगा, इसकी वजह से हम सभी की लाइफ स्टाइल ख़त्म हो जाएगी, हम सब खतरे में आ जाएंगे। अगर हम कैलकुलेट करें कि जो 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है वायुमंडल का, वो कितना फोर्स लगाता होगा आपको, तो ये कैलकुलेशन आता है 100 टन के बराबर, यानी एक भारी भरकम लोडेड ट्रक से भी ज़्यादा। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया का जो वायुमंडल फोर्स है वो हम पे 100 टन से भी ज़्यादा लगता है।
तो ये हमको फील क्यों नहीं होता है? तो ये वैसी बात हो गई जैसे कि अगर पानी से भरे गुब्बारे को हम पानी में उठाते हैं तो हमको कैसा लगता है? बिल्कुल वेटलेस लगता है। अगर हवा से भरे गुब्बारे को हम हवा में उठाते हैं तो वो हमको लगता है कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, हवा में ऊपर की तरफ चला जाता है, तो ये फील हमको नहीं होता है। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम वायुमंडल से बाहर जाएँ तो हमको ये फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं कितना फोर्स था, बॉडी किस तरीके से एक्सपेंड कर रही है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि हम सभी अर्थ के ऊपर नहीं, हम सभी अर्थ के अंदर रहते हैं, क्योंकि ये एक सिस्टम होता है कि अर्थ सिस्टम में वायुमंडल भी आता है और वायुमंडल के हम लोग अंदर रहते हैं जो कि एक इनविजिबल रीजन है, और यहीं पर लाइफ पॉसिबल है। विदाउट वायुमंडल हमारे लोगों का लाइफ स्टाइल पॉसिबल नहीं है।